आप किसी बात के लिए परेशान मत होइए, वो कोई तरीका निकाल लेगा। फिलहाल आप घर जाइए। जाओ। आशान। हाँ? तुमने बताया नहीं कि आखिर हुआ क्या है? हम लोग चले गए तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? ऐसी कोई बात नहीं है बहन, कागज तैयार होने में देरी हुई है बस। आपको यहाँ फालतू इंतजार करके परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ। आप इस पर केस करिए सर, एक सरकारी कार्यालय में सरकारी आदमी पर हमला किया है। सर, सरकारी कार्यालय आम आदमी की मदद के लिए होते हैं। हेलो, हमें कृष्णा का इस तरह से परेशान करने के लिए नहीं। बात करवाता हूँ। ओके। सुनो वकील साहब, जय कृष्णा। उस ऑर्डर को कोर्ट की मुहर की जरूरत नहीं है, शरिश्तादार ने इस पर हस्ताक्षर करके उसे पोस्ट भेज दिया है। और अगर वो ऑर्डर मानने से मना करे तो? चाहे जो भी कारण हो उससे लिखित रूप में ले लेना, मैं उनके खिलाफ कोर्ट में मानहानि का केस करूंगा। ठीक है सर। आप मेरे खिलाफ केस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे ये लिखित रूप में देना होगा कि इस ऑर्डर के साथ ये रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर सकते, तभी मैं ये मानूंगा। अच्छा, मुझे लिखित रूप में देना होगा? सर, आप लिखित में कारण बता सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। बिल्कुल समस्या। मुझे लिखित रूप में दो और उसे ले जाकर मैं कोर्ट में जाऊंगा और फिर अदालत में अच्छे से जवाब दूंगा। हर प्रॉब्लम की वजह बताऊंगा, जिसमें उस लड़की की शादी रोकना भी शामिल है। बाकी तब तक इंतजार कर सकते हैं। देखो जय कृष्णा। सर एक मिनट, ये क्या है जय कृष्णा? देखो जेवियर, बात करके मामला सुलझा लो। सुनो, शेरिस्तार ने उस पर साइन किए हैं, इसलिए मोहर की जरूरत नहीं है। उसे कुछ भी लिखित में मत देना, अगर वो उसे लेकर कोर्ट में जाएगा तो ये कोर्ट की अवहेलना होगी, समझ गया ना? ठीक है ठीक है। जेवियर, इससे किसी का फायदा नहीं है, मैं बात कर लूंगा। सर, ये सब किसी और वजह से नहीं, बल्कि आप सभी लोग इस बीच में आ रहे हैं तो ये रजिस्ट्रेशन में करवा दूंगा। नहीं, बात कर देगा क्या इसे? जय कृष्णा, अरे रुको भाई। सर, आपको पता नहीं है यहाँ तक आने के लिए मैंने कितने झमेले किए हैं। शांत हो जाओ जय कृष्णा, खरीदार कौन है? आपने कहा वो मैं समझ गया, लेकिन समस्या ये है कि जब मैंने देखा ये डील नहीं हो रही तो मैंने वो सारे पैसे किसी और जगह पर खर्च कर दिए, तो अब मेरे पास पैसे नहीं है। अभी आपके पास कितने होंगे? बाकी आप बाद में दे दीजिएगा। मैंने तुमसे कहा ना, इस डील में मुझे दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने पहले कहा था कि ये लड़की की शादी का मामला है। 25 लाख में कितने खर्च किए? 2 लाख। 2 लाख, अगर इतने पैसे ठीक लगते हैं तो मैं वहाँ चल सकता हूँ। अब आप लोग आकर यहाँ मुझे बोल रहे हो तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? लेकिन रजिस्ट्रेशन का टाइम तो खत्म हो चुका है ना, अभी हो पाएगा? उसका टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा, काम हो जाएगा ना। तो मैं मस्जिद जाने के बाद वहां आऊंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। तुम्हारी सारी समस्या सुलझ गई सर? मेरे खिलाफ ऑफिस में तोड़फोड़ करने का केस दर्ज मत करना, समस्या है सारी इन्होंने ही पैदा की है, इसके लिए इन्हें मुझसे लिखित में माफी मांगनी होगी। जब इन्हें कोई शिकायत नहीं तो मैं केस क्यों करूंगा? क्यों, सही कह रहा हूँ ना? जरा जरा देखो, सबसे पहले तुम वहां जाओ। ठीक है। सबसे पहले एक काम करो, तुम रजिस्ट्रेशन करवा लो, हम माफी के बारे में बाद में सोचेंगे। चलो चलो। इन लोगों को घर छोड़ दो। ठीक है सर। मोहम्मद। सर मैं चलता हूं, फिर मिलते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, मिलते हैं। ठीक है जी। क्यों जेवियर, क्या हो रहा है? सारा काम हो गया ना? ये लो। ये क्या चीज है? माफी क्यों जय कृष्णा?
हमें इसकी क्या जरूरत हा? सर से छोटी सी गलती हो गई है। अरे जाने भी दो ना, जो कुछ हुआ वो उनके ओहदे की वजह से ही हुआ है। अगर ये तुम्हारे हाथ में रहा तो सर के सिर पर हमेशा तलवार लटकी रहेगी। इसके लिए हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो ठीक है, मैं इसे फाड़ देता हूं। ये लड़ाई यहीं पर खत्म। जय कृष्ण। एक मिनट, मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिला। हिस्सा? कमीशन। कमीशन? हाँ कमीशन, पहली बार सुन रहे हो? वैसे ज़वियर हमारे बीच तो, जय कृष्णा, व्यापार अलग है और दोस्ती अलग। अच्छा तो इसलिए तुम मेरे साथ थे ना? बेशक, ऐसा ही कुछ समझो। मैं उन्हें ये पहुंचा दूं और इस समस्या को हल कर दूं, उसके बाद तुम्हारा कमीशन दे दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर मुझे अभी नहीं मिला तो बाद में मुझे परेशानी होगी। ठीक है फिर। ठीक है, चलता हूं। तुम्हारे ऐसे भी दोस्त हैं क्या? जय कृष्णा, एक और आ गया। अरे तुझे पता भी है क्या हुआ है? वो जय कृष्णा, दो लाख वो हजियार निकल गया और 40,000 ये मक्कार हमसे ले गया। 2,40,000 अभी कम है। ओ, बोल रहा था चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने इंतजाम कर लिया। उन्हें सारे पैसे दे रहे हो? जितने हमारे पास है उन्हें नहीं दे रहे उतने। अगर हम सब कुछ खोने के बाद इतना पैसा कमा सकते हैं तो वापस भी इसे तभी देंगे जब ये पूरे होंगे। चलो इसे भेज दो, बाकी मेरी माँ के पास से हो जाएगा। नहीं, फिर से उन्हें परेशान मत करो, मैं इससे निपट लूंगा। गाड़ी स्टार्ट करो। चयन, घर में कोई नहीं है क्या? अचयन, अंदर ही है। क्या है जय कृष्णा, क्या चाहते हो आप? मैं कुछ परेशानी में था, मैंने जानबूझ के खेल नहीं खेला है। ये लीजिए, ये आपके 25 लाख। जय कृष्णा, कल छुट्टी है ना, तो तुम्हारे नाम जमीन कैसे करेंगे? उसकी फिक्र मत कीजिए, सारे काम हो जाने दीजिए, शादी के बाद भी हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं।